हेलो, कहाँ से देख रहे हो भाई? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके पैट्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अभी तो तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है, वैसे ही मैं ऊपर आ गया और सूरज देखें अभी हेलो कर रहा है, अभी मुकम्मल निकला नहीं है, तो थोड़े थोड़े से ये देख रहे हैं अभी दीवारों के ऊपर पड़ रहा है। तो ज़मीन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ठंडी है अभी। तो अभी मैं कोई पैट्स वगैरह अभी खोलने नहीं आया, पैट को भी खोलेंगे थोड़ा सा, ज़रा आधा घंटा मज़ीद रुक के, ताकि जो है ना सूरज जो है वो और थोड़ा सा निकल आए और हरारत थोड़ी सी हो जाए। ठीक है, तो बस आप लोगों को मैं बताने ये आया था, बताने ये लगा था, बल्कि ऐसा करते हैं कि ना इनको तो नहीं खोल सकते, टाइम भी शॉर्ट होता है, तो पिजन को मुझे बाद में खिलाना पड़ता है ना, तो ऐसा करते हैं इनकी, इसका ना डोर कर देते हैं बंद नीचे से और ऊपर वाला खोल के ना डक्स की आवाज़ देखें आप। ओए होए, ये इसको खोल देते हैं। हेलो भाई, हेलो 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 हेलो, वो देखें वो मुर्गी उठ रही है, मे बी अंडा दे के उठ रही है, ये वाली, ये देख, आ जाओ भाई कबूतर लोगों, आप बाहर आ जाओ ताकि आपको मैं खाना डाल देता हूँ। कबूतर की खैर है, इनको इतना सर्दी का वो नहीं होता, लेकिन अगर ये आ जाएं तो आ जाएंगे। अब अगर मग्गी ने छलांग मारी ना, मग्गी सीधी बाहर होगी, मग्गी का वही इशू है ये ना, ये देखें मग्गी ने खुदा ना खासा छलांग मारी तो ये बाहर आ जाएगी, और मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ पिजन हमारे बाहर आ जाएं, और पिजन उसी सूरत में बाहर आएंगे जब ये उड़ के फौरी आ जाएंगे, क्योंकि मग्गी की छलांग। तीन लोग तो बाहर आ गए हैं और ये मेरा फेवरेट पिजन अभी अंदर बैठा हुआ है। आ जा यार बाहर, आ जा यार, और कितनी मिन्नतें करूं। अच्छा ये ना, ये मेल है, ये वाला पिजन जो हमारा डॉट टेल पिजन है, और वो वाली फ़ीमेल होगी, क्योंकि कल ऐसे रात को ये ना दरवाजे पे बैठे होते हैं, जब रात को आके मैं दरवाज़ा बंद करता ना, तो इनको पकड़ के मैं ये पिंजरे पे बिठा देता हूँ, तो जैसे मैंने इसको पकड़ा ना, पकड़ के पिंजरे पे बिठाया, ये गुटकने लग गया ऐसे गोल गोल, जैसे कबूतर नहीं गुटकते इस तरीके से, ये इसने गुटकना शुरू कर दिया था। तो मैंने कहा लो भाई, मुझे फ़ीमेल लग रही थी लेकिन ये मेल निकला, और फिर इसका मतलब है फिर फीमेल ये वाली होगी। तो खैर मैं सोच रहा था कि अगर ये वाली फ़ीमेल होती ना, तो इसको हम आगे जाके ना पेयर करते इसके फादर के साथ, वो जो इसका फादर है ना, क्योंकि ये जो इसके साथ की फ़ीमेल है ना, ये इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में नहीं निकली, क्योंकि ये बिल्कुल एक थोड़ी सी स्लिम स्मार्ट, और पीछे से इसका जो वो है ना, जो मतलब पर होते हैं वो भी इतने कोई ख़ास नहीं है, ऐसे मतलब सही, ऐसा सिंपल पिजन ही लगता है देखने में, लेकिन इसके मुकाबले में इसकी जो मदर हैं और फादर हैं, ये फिर भी कुछ बेहतर हैं, और वो वाला पिजन तो कुछ ज़्यादा ही बेहतर है जो अंदर बैठा हुआ है। तो इनको बाजरा वगैरह डालते हैं, और बाजरा डालता हूँ और साथ आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि आज की जो ये वीडियो है ना भाई, आज हमारे बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ आ रही है, और अचानक से आ रही है, बस मेरी बात हुई और समझ लो डन हो गई, मैंने कोई ज़्यादा मतलब कोई जहन में भी नहीं था मेरे के अचानक से आ जाएंगी। तो फाइनली आज हमारी ना गिना फाइल फाउल आ रही हैं, शायद यही उनका नाम है, और जिनको तितरी भी कह देते हैं, और इनको चीनी मुर्गी भी कहते हैं, और पता नहीं क्या क्या नाम, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने नाम रखे हुए हैं इनके, तो मे भी काफ़ी लोगों ने देखी भी होगी, और जिनको नेम देख के समझ नहीं आई उनको शक्ल देख के समझ आ जाएगी। तो अभी बस कुछ देर में वो आने वाली हैं, तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो कैसी है, मैं भी देखता हूँ कि किस तरह की वो है। चले इनको पहले बाजरा डाल दें। बहू रामी, इतनी घंटा लगा के बाहर आया, और इसके लिए मैंने बल्कि इसको डराया हाथ से, तो फिर ये बाहर आया। तो ये लो भाई, खाओ पियो अपना, पेट भरो आप, फिर मुर्गियां आप लोगों को खाने नहीं देती। तो इनका बेबी भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया, काफ़ी बड़ा हुआ है इनका बेबी भी। फाइनली दोस्तों हमारी गिनी फाउल्स आ गई हैं, और ये देखें इस गट्टू के अंदर भाई लेके आया है। तो मैंने पकड़े, मुझे तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था, और मेरा ऐसा जहन में ना वो बैठा हुआ डर कि ये बहुत तंग करती हैं, ये उड़ जाती हैं, ये बहुत, अब मैंने इसके अंदर बंद किया ना, ये छलांगे मार रही थी, तो मैंने बंद भी इसके अंदर कर दिया। तो
मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये दोनों पाइट की हैं। पाइट में मतलब ये होता है कि एक तो होती है ना ब्लैक कलर में और एक होती है वाइट कलर में। अगर ये दोनों का क्रॉस है ना तो कह रहा था ये ना पाइट है। तो आई होप के ये ना मेल और फीमेल ही हो, क्योंकि डक्स की तरह ये हमारा मतलब के ऐसा कोई हो ना जाए सिस्टम के। एज इनकी कह रहा था 6 मंथ इनकी एज है, तो अभी इनकी 6 मंथ इनकी एज है। और ये होती हैं, आप लोगों को पता ही होगा, मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट हैं भाई। तो ये देखें ये सारा, ओए बोल रही है, लेकिन ये शोर भी बहुत करती हैं। जहाँ तक मैंने सुना ना, मैंने पहले अपने फादर से कहा था कि मैंने ना ये गिनी फाउल रखनी है, तो इस तरीके से। तो वो कह रहे थे, वो जब गांव में रहते होते थे काफ़ी अरसा पहले, तो वो ये बता रहे थे, कहते ये तो इतना तंग करती है, इतना तंग करती है, बहुत ज़्यादा ये उड़ जाती है लोगों के घरों में, मतलब घुस जाती है जाके और दरख्तों पे चढ़ गई। वो शोर भी बहुत ज़्यादा करती है, इतना शोर करती है बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत तंग करेगी। मैंने कहा चले देखते हैं, रख के अंदाज़ा तो हो थोड़ा सा कि भाई क्या तजर्बा रहता है इसका। और मुझे इस वक्त इनसे ऐसे मुझे इनसे डर लग रहा है जैसे उड़ने वाला परिंदा हो, क्योंकि इतने इसके बारे में सुनी है ना बातें। तो अब यही फील होता है कि कहीं ये पता नहीं। और हमारे घर के साथ लोकेशन भी ऐसी है कि एक मिनट इसको बंद करें थोड़ा सा, एक मिनट। हमारे घर के पास दोस्तों लोकेशन भी ऐसी है कि छोटी छोटी सी दीवारें हैं, साथ खंभा है, ठीक है, और परली तरफ भी दरख्त हैं और ये साथ आगे भी दरख्त है। तो ठीक है, हम इसको तंग नहीं करेंगे, ये अपनी मर्ज़ी से उड़ेगी, जिधर इसका दिल करेगा जाएगी, लेकिन उसके बाद वापसी भी आ जाएगी, ठीक है। तो वापसी भी ये आ जाए और आने के बाद टिक भी जाए इधर, मतलब ये तो कुछ होता है ना कि उड़ जाती हैं, उनके पीछे भागना पड़ता है, उनको लेके आना पड़ता है, ये वो, इस तरह वाला इसका ना सिस्टम ना हो। ये है कि अपनी मर्ज़ी से परिंदा उड़ जाए, दरख्त पे बैठा है, लेकिन ये है कि रात को वापसी आ जाए। इस तरह का होना फिर भी चल जाता है, ठीक है, कोई इशू नहीं होता, लेकिन ज़्यादा मसला उस वक्त होता है कि जब ये इतनी दूर निकल जाए, मिसाल के तौर पर इस दरख्त इस दीवार पे बैठे और यहाँ से भी चलो जी वो सामने दरख्तों पर चली गई, उधर से उसे दरख्त भी नज़र नहीं आता, ठीक है। अब ये इन्होंने पिजन को ये देखो, अब ये उड़ेंगे और उड़ के अंदर का दरवाज़ा मैंने बंद किया, इन्हें समझ नहीं आनी कि किस तरफ जाना है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस चील को यहाँ से भगाएं। चल निकलो यहाँ से। खैर दोस्तों, और बाकी अभी ये वाले पेट अभी मैं मज़ीद थोड़ा देर ठहर के छोड़ूंगा। ये देखें धूप कितनी नीचे तक आ गई है, अभी और थोड़ी थोड़ी जो धूप है ना, मौसम ज़रा खुल जाए, वो वाली भी देखें ज़मीन पे आ गई है, पहले दीवार पर तक थी। और ये देखें डोरीमोन का अभी मैंने पर्दा हर किसी का नहीं उठाया, लेकिन आपको थोड़े थोड़े पैट से दिखा देता हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बाहर निकाल के दिखाएंगे। ये रहा हमारा डोरीमोन, इसका शापर भी उतार दिया, 2 दिन से उतरा पड़ा है उधर जब से ये पेंट किया था, तो आज इसका शापर भी हम लोग जो है ना वो दोबारा मैं चढ़ा दूंगा इसके ऊपर, ताकि ये बिल्कुल सेव रहे। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको हमारी ये गिनी फाउल जो आई है ये कैसी लगी है, और इसके बारे में मुझे इसकी एहतियात आपने लाजमी बतानी है कि क्या करूँ मैं, ये हमारे घर की आदि हो जाए और इसको निकालना बाहर ऐसे खुले में मैं अब सहन में छोड़ूं, या क्या करना चाहिए मुझे समझ। मैंने इनको वक्ती तौर पे इधर बंद कर दिया था, क्योंकि अभी तो मेरा मूड यही था कि भी मैं इनको मास्टर केज में छोड़ूंगा, और छोड़ूंगा इनको मास्टर केज में, क्योंकि ये खुली जगह पे रहने की आदी होती हैं आई थिंक। तो ये इनके लिए ना केज, ये भी 2 पीस के लिए तो बेहतर है, लेकिन हमने इधर इनको रखना नहीं है। ये इधर, ये मेरे बाहर वाले जो 4 पिंजरे हैं ना, ये सिर्फ असीलों के हैं, इसके अंदर और कोई परिंदा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये जाएंगी अंदर ही मास्टर केज में, ठीक है। तो लेकिन जाएंगी ज़रा, अभी इनको बाहर मुर्गियां वगैरह छोड़ूंगा, थोड़ा सा ये माहौल को खुद ऑब्ज़र्व करेंगे, अपने बाकी लोगों को देखेंगे इधर के भी, हमारे पार्टनर जो हैं वो कौन कौन से हैं इधर। ज़ाहिर जाली से सारा झाँकेंगी ना बाहर की तरफ, जब मुर्गियां बाहर फिरेंगी, डक्स फिरेंगी, तो ये थोड़ा सा ना जानवरों के साथ अटैचमेंट इनकी होगी अंदर से ही, ठीक है। उसके बाद ऐसे मैं इनको छोड़ूंगा ना बाहर, डक और मुर्गियाँ इनके पीछे भागेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पता चले कि भी डर के वो भाग गए हैं, ठीक है दोस्तों। बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने लगा हूँ, और हमारी मुर्गियाँ सुबह सुबह का टाइम है, क्रॉस हो रही हैं जग्गू से। अबे कहाँ जाना है दोस्तों, आगे उड़ने वाले पिजन भी लेके आएंगे हम लोग ना इंशाल्लाह, आगे आगे जाके ना कोई लेकर आएंगे अच्छी सी ब्रीड कोई,
उड़ने वाले जो ऊपर हवा में उड़ जाए, ठीक है। खैर दोस्तों, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाजमी से लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने पेट लवर दोस्तों के साथ। हम लोग मिलेंगे आपसे कल एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।